नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लेली फाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से एनिमल स्पेशल लाई हूँ, जानवरों की प्रजातियाँ जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। पहला दोस्तों, क्या आप हमिंग बर्ड हॉक मत के बारे में जानते हैं? यह हमिंग बर्ड हॉक मत पूरे उत्तरी पुर्तगाल से जापान तक पाया जाता है, लेकिन यह मुख्य रूप से गर्म जलवायु दक्षिणी यूरोप उत्तरी अफ्रीका में प्रजनन करता है। इसे हमिंग बर्ड हॉक मॉथ हमिंग बर्ड की तरह लंबे सूंड का उपयोग करके फूलों का रस पीने के लिए कहा जाता है। यह हर साल दो या दो से अधिक बच्चे पैदा करते हैं। चमकदार हल्के हरे रंग के ओवा यानी कि अंडे 1 मिलीमीटर व्यास के साथ गोलाकार होते हैं। कहा जाता है कि ये फूलों की कलियों की तरह दिखते हैं। वे 6 से 8 दिन बाद निकलते हैं। एक मादा एक अलग पौधे पर 200 तक अंडे दे सकती है। इसकी लंबी सूंड 25 से 28 मिलीमीटर और इसके मंडराते व्यवहार एक श्रव्य गुनगुनाहट के साथ यह फूल पर भोजन करते समय चिड़ियों की तरह मंडराते हैं। हमिंग बर्ड की तरह यह उन फूलों पर फीड करता है जिनमें ट्यूब के आकार का कोरोला होता है। यह दिन में उड़ता है, विशेष रूप से तेज धूप में, लेकिन शाम को भी, भोर और यहाँ तक कि बारिश में भी, जो कि सामान्य हॉक मत के लिए असामान्य है। यह मत बगीचों, पार्कों, घास के मैदानों, झाड़ियों और वुडलैंड के किनारे पर आसानी से देखा जा सकता है। दूसरा दोस्तों, क्या आप इस खूबसूरत फाइव बैंडेड ग्लाइडिंग लिजर्ड के बारे में जानते हैं? ये दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों और वुडलैंड्स में पाए जाते हैं। इसे ड्रेको छिपकली या उड़ने वाले ड्रैगन के रूप में भी जाना जाता है। ये छिपकली झिल्लियों के माध्यम से उड़ान भरने में सक्षम है, जिन्हें पंखों बनाने के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो पसलियों के बढ़े हुए सेट से बनते हैं। वे वृक्षीय कीट भक्षी है, जबकि वे संचालित उड़ान में सक्षम नहीं है। वे अक्सर अपनी ग्लाइडिंग उड़ानों के दौरान लिफ्ट प्राप्त करते हैं। इनके नाम 60 मीटर यानी 200 फीट तक ग्लाइडिंग दर्ज किया गया है, जिसके ऊपर जानवर केवल 10 मीटर यानी 33 फीट की ऊंचाई खो देता है। एक छिपकली कुल मिलाकर 20 सेंटीमीटर है। वे दक्षिणी पूर्व एशिया और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं और जंगलों, सुपारी के बगीचों, सागौन के बागानों और झाड़ीदार जंगल में पाए जाते हैं। इनकी अधिकतम ग्लाइडिंग गति 5.2 से 7.6 मीटर प्रति सेकंड के बीच पाई गई है। मादाएं नर से बड़ी होती है। एक मादा उड़ने वाली छिपकली तभी जमीन पर उतरती है जब उन्हें अंडे देने होते हैं। वह जिस पेड़ पर है उस पर उतरती है और अपना सिर मिट्टी में दबाकर घोंसला बनाती है। फिर वह छेद भरने से पहले 2 से 5 अंडे देती है और लगभग 24 घंटों तक अंडों की रखवाली करती है और फिर निकल जाती है और उसकी संतानों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा दोस्तों, क्या आप लकड़ी के मेंढक के बारे में जानते हैं? दोस्तों, अलास्का में पाए जाने वाले लकड़ी के मेंढक 8 महीने बिना पेशाब किए रह जाते हैं और अब वैज्ञानिकों ने इसका पता भी लगा लिया है। यूरिया मूत्र में मुख्य अपशिष्ट है। उपयोगी नाइट्रोजन में पुनर्चक्रण छोटे मेंढकों को जीवित रखता है, क्योंकि वे अंदर और बाहर हाइबरनेट और फ्रीज करते हैं या उन्हें गर्म नहीं करता है। इसके बजाय यूरिया कोशिकाओं और ऊतकों की रक्षा करता है, भले ही उनका हृदय, मस्तिष्क और रक्त प्रवाह रुक जाता है। इन मेंढकों के भीतर क्या हो रहा है इसका पता लगाना आसान नहीं था। कोस्टानोजो के टीम ने सक्रिय समय के दौरान लकड़ी के मेंढकों को पकड़ लिया। वे इन पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले कि इनके अलावा को स्तनपायी होता तो वह अब तक मर जाता। चौथा दोस्तों, क्या आप समुद्री सांप के बारे में जानते हैं, जो कि पानी के भीतर भी सांस ले सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय की एक टीम डॉक्टर एलेसेंड्रो पालसी के नेतृत्व में हाल ही में 2 नीले बैंड वाले समुद्री सांपों के शरीर को छवि बनाने के लिए माइक्रोसिटी स्कैन का उपयोग किया गया। अन्य बूतों के अलावा शोधकर्ताओं ने पाया कि रक्त वाहिकाओं की एक जटिल प्रणाली जिसे संशोधित सेफेलिक वैस्कुलर नेटवर्क के रूप में जाना जाता है माथे पर त्वचा के नीचे और थूथन के शीर्ष पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इन वाहिकाओं में ऑक्सीजन को अवशोषित करने में सक्षम है। त्वचा के माध्यम
से बाद में ऑक्सीजन को मस्तिष्क तक ले जाता है। मूल रूप से हमने पाया कि समुद्री सांप पानी के भीतर सांस लेने के लिए अपने शीर्ष का उपयोग गिल के रूप में करता है, जिसे पालसी कहते हैं। पांचवा, दोस्तों क्या आप रेड लिप बैटफिश के बारे में जानते हैं? रेड लिप बैटफिश गैलापागोस द्वीप में द्वीप समूह के आसपास के पानी में 75 मीटर तक की गहराई में रहती है, जहां इसे नीचे रहने वाले के रूप में जीवन के लिए अनुकूलित किया जाता है। यह समुद्र तल पर रहता है और एक खराब तैराक है। इनके संशोधित पंख अस्थाई पैरों के रूप में कार्य करते हैं, जिसे इसे रेत में चलने में मदद मिलती है, लेकिन जब थोड़ी अधिक गति की आवश्यकता होती है तो यह अपने शरीर के नीचे श्रोणि पंखों के साथ धक्का दे सकती है और पानी के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी मांसपेशियों की पूंछ का उपयोग कर सकती है। इनका रंग हल्का भूरा और पीठ पर भूरे रंग का होता है, जिसका पेट सफेद होता है। ऊपर की तरफ आमतौर पर भूरे रंग के डॉट से बनी एक गहरे भूरे रंग की पट्टी होती है, जो सिर से शुरू होकर पीछे की ओर पूंछ तक जाती है। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, बैटफिश में चमकीले लगभग फ्लोरोसेंट लाल होंठ भी होते हैं, जैसे कि उनसे हाल ही में कोई खूनी भोजन खाया हो या कुछ बहुत उज्ज्वल लिपस्टिक पहनी हो। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।